हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका रिजल्ट आ चुका है और अब आपकी बारी है काउंसलिंग कराने की। और काउंसलिंग को लेकर दोस्तों बहुत सारे संशय बना हुआ है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से आप लोग देख रहे हैं वीडियोज़ को और उसमें डॉक्यूमेंट बताए जा रहे हैं। हालाँकि रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें क्या क्या लगेगा, वो बेसिक चीज़ें यहाँ पर दोस्तों निकल के आई है, वो मैं आपको फाइनल बताने वाला हूँ। और यहाँ पर आपको दो बार लगेगा। देखिए, पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन में जो लगने वाला डॉक्यूमेंट उस पर आपको ध्यान देना है। जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा तब कॉलेज में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा ये तब की बात है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि कॉलेज वाले टाइम नहीं देते, आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा और आप एडमिशन लेने गए तो कॉलेज वाले भी टाइम दे देते हैं, मोहलत दे देते हैं उन चीज़ों को जमा करने के लिए। ऐसी बात नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं होगा। तो फिलहाल अभी जो काउंसलिंग के लिए जरूरी चीज़ें हैं वो आपको तैयार करना चाहिए, ना कि फालतू चीज़ें कि टीसी लगेगा, सीसी लगेगा, पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है आप लोगों को। आप लोग टेंशन में आ रहे हैं, बहुत सारे कॉमेंट आ रहे हैं हर जगह से, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे कमेंट सेक्शन में, कि सर डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेंगे, क्या क्या बनवाना रहेगा। तो फाइनली यहाँ पर खबर निकल के आ चुकी है कौन कौन सा जरूरी दस्तावेज है, वो आप इस वीडियो को में देखेंगे। और पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ जो आपको काउंसलिंग में नहीं लगाना है, गलती नहीं करना है, वरना आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा और हो सकता है आपका एडमिशन भी हो ना हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये फाइनल वीडियो होने वाली है आप सभी के रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा उस पर, ठीक है। और मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ की वीडियो बनाता रहूँगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग सोचते हैं कि एक ही बार में सब कुछ बता दें और एक ही बार में क्योंकि उस जानकारी खराब हो जाती है, चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं। जब आपको समय समय पर चीज़ें बताता रहूँगा तो आप स्टेप बाय स्टेप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, हर चीज़ आपका समय पर हो जाएगा, ठीक है। तो उतना ही ज्ञान देना जरूरी समझता हूँ जितना आपके लिए अभी जरूरी है, ठीक है। तो अभी आपके सामने काउंसलिंग है और काउंसलिंग में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा उस पर मैं बात करने वाला हूँ। और इसके साथ साथ आप लोगों को जो भी डाउट्स हैं, जो भी चीज़ पूछना है, मुझसे बात करना चाहते हो अपने रिजल्ट के बारे में, अपने मार्क्स के बारे में, कौन सा कॉलेज मिलेगा मुझे सर, गवर्नमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी जानकारी चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, सभी को रिप्लाई नहीं मिल पाता, तो आप इंस्टाग्राम में मुझसे पूछ सकते हो, मेरा यूजर आईडी, आप मुझे फॉलो भी कर लेना, आपके एडमिशन तक पूरी सहायता मिलेगी। आप मुझसे जब मर्जी आप मैसेज करके आप मुझसे बात कर सकते हो, सलाह ले सकते हो। तो मेरा यूजर आईडी है, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट करके यानी मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जाइए मुझे फॉलो कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, ये मेरा यूजर आईडी है, सर्च भी कर लेना, ठीक है। तो देखो भैया, यहाँ पर काउंसलिंग के जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरा जाएगा वो बहुत ही सरल होता है, बहुत ही आसान होता है। जब फॉर्म रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो मैं खुद एक वीडियो बना कर बता दूंगा, जिससे आपको साइबर कैफे में 100 रुपये जो देकर आप छोटी छोटी चीज़ें कराते हैं उनसे बचिए। आप लोग बड़े हो गए हैं, आप लोग बुद्धिमान हैं, आप लोग इतने दिन से इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपने खर्चे को बचाइए। जो 100 रुपये देकर आप फॉर्म भराते हैं, छोटी चीज़ों को भी करवाने के लिए आप जाते हैं साइबर कैफे, वहाँ पर 100 रुपये 50 रुपये देकर आ जाते हैं फालतू का, ठीक है। तो आप लोग भैया इतना तो कम से कम जानकार हो ही जाओ कि आप घर बैठे आप फोन पे ही खुद से इन चीज़ें को कर लोगे। और पता है, सेल्फ खुद से किया हुआ चीज़ कभी गड़बड़ नहीं होता है। कभी कभी साइबर कैफे वाले, देखिए साइबर कैफे वाले हर फॉर्म के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, ठीक है, कि इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें क्या नहीं भरा जाएगा, ठीक है। वो गलती कर देते हैं, फिर पछतावा आपको उसका खामियाजा आपको भरना पड़ता है। और आप खुद से करोगे तो आपका पैसा भी बचेगा और आपका जो चीज़ें जानकारी आप फिल करोगे वो करेक्ट फिल करोगे, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना के बता दूंगा किस तरीके से आप अपने काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और यहाँ तक मैं काउंसलिंग आप कैसे करा सकते हैं, कॉलेज कैसे चूज कर सकते हैं, ये भी सब बता दूंगा। हमारे साथ जुड़े रहोगे तो बहुत फायदे में रहोगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। तो भैया, जब काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होगा तो उसमें आपको बहुत कुछ खास नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपने फॉर्म को ओपन करना है, जिस तरीके से आपने रिजल्ट ओपन किया है, एडमिट कार्ड ओपन किया है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वहां पर आपसे कुछ ज्यादा नहीं, ये मैं दिखा दे रहा हूं फॉर्मेट, देखिए इस तरीके से विंडो ओपन होगा और केवल आपका बैंक अकाउंट पूछा जाएगा। एक बैंक अकाउंट आपसे लिया जाएगा, ठीक है। वो बैंक अकाउंट इसलिए लिया जाएगा क्योंकि वहां पर आपका जो कैंडिडेट का एडवांस फीस रहेगा 5,000 रुपये, वो रिफंड किया जाएगा इन केस अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो, ठीक है। अगर आप इस बात का ध्यान रखना कि जब कॉलेज, मान लो आपने 10 कॉलेज चूज किए और 10 कॉलेज में से आपको कोई कॉलेज नहीं मिला आपके पसंद का, आपने जो चॉइस दिया उसमें से कोई नहीं अलॉट हुआ, इस केस में आपका ये जो 5,000 रुपये रहेगा वो आपके इसी बैंक अकाउंट में रिफंड किया जाएगा, जो बैंक अकाउंट आप रजिस्ट्रेशन के टाइम डालोगे, ठीक है। ये अकाउंट इसीलिए मांगा जाता है आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, ठीक है। और अगर आपका 10 कॉलेज आपने चूज किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, इसको जान जान लीजिए तभी काउंसलिंग कराना। अगर आपने
10-15 कॉलेज चूज किए, ठीक है, और उस 10-15 कॉलेज में से आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया, 10वें नंबर वाला कॉलेज अलॉट हो गया, 15वें नंबर वाला कॉलेज अलॉट हो गया जो आपने चूज किया है, और आपको लगा बाद में ये हुआ कि नहीं यार इस कॉलेज में नहीं ले पाऊंगा, बहुत दूर का कॉलेज है या अच्छा कॉलेज नहीं है या मैं यहाँ नहीं लूंगा एडमिशन, तो इस केस में अगर आप आपका कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप रिफ्यूज़ कर देते हैं, कॉलेज नहीं लेते हैं एडमिशन जाके, तो वो 5,000 रुपये आपका रिफंड नहीं होगा। तो आपको काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करते टाइम अपने चॉइस लिस्ट में इस बात का बहुत विशेष ध्यान देना है कि आप उसी कॉलेज को अपने लिस्ट में डालना जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले सको। आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने कॉलेज की लिस्ट तैयार करना कि अगर मान लो बाई द वे 10वें नंबर वाला कॉलेज मुझे अलॉट हो तो क्या मैं इसमें एडमिशन ले सकता हूँ। अगर आपका जवाब हाँ हो तभी उसको आप अपने कॉलेज लिस्ट के चॉइस में डालना, ठीक है, वरना मत डालना, क्योंकि क्या पता भाई आपका 15वें नंबर वाला कॉलेज आपने एम ही डाल दिया। अच्छा होता क्या है, काउंसलिंग करवाने जब आप जाते हो तो साइबर कैफे वाले से बोलते हो कि 2-4 कॉलेज का नाम बताते हो, उसके बाद कहते हो भैया आसपास का अपने मन से डाल दो, ठीक है, अब वो इधर उधर का कॉलेज डाल देते हैं, आपका अलॉट हो जाता है वो, फिर आपको बाद में जब अलॉट हो जाता है पता चलता है तो बड़ा दूर का कॉलेज या ख़राब कॉलेज निकलता है, अब आप डिसीजन लेते हो कि हम कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे, तो आपका 5,000 रुपये बर्बाद हो जाता है। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप खुद से काउंसलिंग करो, अपने तरीके से करो, पैसा भी बचेगा और आपका कोई चीज इन फ्यूचर में गलती भी नहीं होगी। अगर इस बात से एग्री हैं तो कमेंट में लिख के जरूर बताना कि सर आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाते जाइएगा, हम लोग खुद से करते जाएंगे, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी हमारी। तो कमेंट में लिखो, जितना ज्यादा कमेंट आएगा उतना ही जल्दी और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा वीडियो बना के, ठीक है। तो भैया आप समझ लीजिए, बैंक अकाउंट में एक गलती नहीं करना है, बैंक अकाउंट में जनधन का अकाउंट अगर आपको है तो वो मत लगाना, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने जनधन का योजना का अकाउंट जो होता है वो खुलवा रखा है, ठीक है। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों को ऐसे पहले समस्या आई है कि उनने वो अकाउंट लगा दिया तो उसमें रिफंड नहीं आता है पैसा। रिफंड इसलिए नहीं आता क्योंकि जनधन अकाउंट में शायद कुछ लिमिट वगैरह लगी रहती है कि इतने पैसे नहीं आ सकते हैं, तो वो क्या होता है कि यूनिवर्सिटी तो भेजता है पैसा लेकिन वो वापस चला जाता है यूनिवर्सिटी के पास, वो नहीं क्रेडिट हो पाता आपके बैंक अकाउंट में। तो आपका जनधन योजना का अकाउंट है तो भैया मत लगाना, उसके जगह पर आप अपने मम्मी पापा का अकाउंट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप उसके सिवा किसी अदर बैंक का अकाउंट है, किसी बाकी नॉर्मल अकाउंट है, तो आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अपना अकाउंट या फिर अपने फादर एंड मदर का अकाउंट ही यूज़ कर सकते हो, अपने भाई बहन का या दोस्त का नहीं यूज़ कर सकते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बात आपको बहुत विशेष ध्यान रखनी है, 2-3 फैक्ट्स जो मैंने बताए हैं कि आपको फालतू कॉलेज नहीं डालना है, आपको बैंक अकाउंट जनधन वाला नहीं लगाना है, ठीक है। आप वही कॉलेज चूज करेंगे जो आपको लेना है, ठीक है, आपका एडमिशन हो अगर अलॉट हो जाए तो वो आप उसमें जाके ले लेगो खुशी एडमिशन, ठीक है। अब यहाँ पर आप बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन में क्या क्या लगेगा। तो एक तो पहला बैंक अकाउंट लगेगा, ठीक है, सभी के लिए, और दूसरा वो उसमें शर्त ये है कि जो कैंडिडेट अपेयरिंग थे उनके लिए मार्कशीट की फोटोकॉपी या रिजल्ट की फोटोकॉपी अपलोड करनी होगी। जिन्होंने अपेयरिंग में फॉर्म डाला था, ग्रेजुएशन के अपेयरिंग में थे, रिजल्ट नहीं आया था, एग्जाम नहीं हुआ था, एग्जाम दिए थे रिजल्ट नहीं आया था, उनका काउंसलिंग तभी होगा जब वो मार्कशीट अपलोड करेंगे, ठीक है, नहीं अपना रिजल्ट अपलोड करेंगे, मार्कशीट की कोई जरूरत नहीं है, मार्कशीट ना हो तब भी चलेगा, रिजल्ट लेकिन अपलोड करना पड़ेगा जिन्होंने अपेयरिंग में फॉर्म डाला था। और जिन्होंने अपेयरिंग में नहीं डाला था, जिनका ऑलरेडी फाइनल है, उनको सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट भी लगाना है और अपना फीस पेमेंट करना है। 750 रुपये आपका काउंसलिंग फीस होगा जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, और आपका 5,000 रुपया जो होगा वो एडवांस फीस होगा, वो कॉलेज अलॉट अगर हो गया तो वो आपका डिडक्ट हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा आपके बाकी के फुल फीस में, ठीक है। और अगर आपका कॉलेज अलॉट नहीं होता आपके दिए हुए चॉइस में तो वो 5,000 रुपये रिफंड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी, बस दो ही चीज़ें लगानी है, एक बैंक अकाउंट लगाना है, अगर आप अपेयरिंग में हो तो आपको रिजल्ट भी अपलोड करना होगा, और बाकी लोगों को सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट अपलोड करके सॉरी बैंक अकाउंट डाल के और अपना फीस सबमिट कर देना है, 5,750 रुपये टोटल, बस आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके दूसरे तीसरे दिन काउंसलिंग शुरू होगी। इस पर मैं वीडियो बना दूंगा डिटेल में, तो उम्मीद करते हैं मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरा रिजल्ट नहीं आया अगर काउंसलिंग से पहले तो क्या होगा, तो परेशान मत हो भैया, काउंसलिंग जो है वो आपकी बढ़ेगी डेट, आपके आज की न्यूज़पेपर में था, बीएड काउंसलिंग की बढ़ सकती है तिथि, 10 जुलाई को है प्रस्तावित, लेकिन उम्मीद नहीं है कि 10 जुलाई स्टार्ट हो, इस स्नातक अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित न होने से बनी है यह स्थिति, ठीक है। बहुत सारे विश्वविद्यालय का रिजल्ट भी नहीं आया, तो परेशान मत हो, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं शुरू होगी। तो अगर इस वीडियो को आपसे हेल्प मिली है तो कमेंट में थैंक्स जरूर लिखना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।